हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी प्रो कबड्डी सीजन 10 से पवन कुमार सहरावत के फैंस के लिए मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। यहाँ पर जो तेलुगु टाइटंस का प्री सीजन कैंप है, वहाँ पर पवन कुमार सहरावत ज्वाइन इन कर चुके हैं। आपके सामने अभी काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स आने वाले हैं वन बाय वन। और यहाँ पर पवन कुमार सहरावत जो तेलुगु टाइटंस का प्री कैंप है, वहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह होने वाली है। अब तेलुगु टाइटंस ने काफ़ी बड़ी रकम में पवन कुमार सहरावत को इस सीजन खरीदा है, तो आपको क्या लगता है पवन कुमार सहरावत यहाँ पर तेलुगु टाइटंस को इस सीजन क्या विजेता बना पाएंगे? वैसे तो मतलब पवन कुमार सहरावत के अलावा परवेश भैंसीवाली है, इसके अलावा कोई बहुत बड़े नाम तो है नहीं। अब क्या पवन कुमार सहरावत अपनी टीम को कैरी करवा पाएंगे? क्या अपने अकेले दम पे एक्स फैक्टर के रूप में अपनी टीम को जितवा पाएंगे? तेलुगु टाइटंस कैसा क्या करेगी वो तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट करके बता देना। बट मैं यही छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट अपडेट आपके लिए लेके आया था, शॉर्ट एंड स्वीट में आपके लिए वीडियो लेके आया था कि पवन कुमार सहरावत यहाँ पर तेलुगु टाइटंस के प्री सीजन कैंप का हिस्सा हो चुके हैं, उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है और प्रैक्टिस वगैरह चालू हो चुकी है। इनफैक्ट मतलब ये जो अपडेट है ये दो दिन पहले की ही है, बट मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, उसके लिए सो सॉरी फॉर दैट। बट फिर भी अगर दो दिन बाद भी किसी को नहीं पता चला हो तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि पवन कुमार सहरावत यहाँ पर तेलुगु टाइटंस के साथ जो प्रैक्टिस कैंप है उसमें जुड़ चुके हैं। अब ऐसी अगर छोटी छोटी अपडेट्स आपको प्रो कबड्डी सीजन 10 के लिए चाहिए तो मेरे को नीचे कॉमेंट करके बिल्कुल से बता देना। मेरी तरफ से आज की ये वीडियो थी शॉर्ट एंड स्वीट में, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। आपको जो भी लगता है तेलुगु टाइटंस पवन कुमार सहरावत को जितवा पाएंगे नहीं जितवा पाएंगे नीचे कमेंट डाउन करके मेरे को बिल्कुल से बता देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट इन ऑल, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।